उसके मम्मी ने पैसे दिए थे किराया वाला कि लीजिए आराम से रेडी वगैरह पर, लेकिन कह रहा नहीं मैं कंधे पर लाद लूँगा। तो कंधे पर लाद के लाया, भटूरे खा के सोच रहे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी ब्लॉग। अभी तो मैं आ चुका हूँ प्रियंका के घर पर, तो बीच वगैरह कर लिए, अब हम सीधे चलते घर पर क्योंकि नहाया भी नहीं ना मैंने, तो नहाना ही बहुत जरूरी है। तो अभी घर पर चलेंगे नहा वा के ना, और फिर मनीष क्या चलेंगे बाहर, क्योंकि मनीष अभी गया हुआ है स्कूल, तो 1 बजे के आसपास आएगा। अभी जो वक्त हो रहा है 11 बजे, खुशबू का स्कूल शुक्रवार शनिवार को जाना, और इनको जाना है कल, है ना भाई? कल से इसका भी स्कूल खुलेगा, और शाम गया हुआ है स्कूल, हमको आएगा, नाम भी देख रहा हूँ शाम में और आएगा भी शाम को। मतलब गज देख रहे हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, तो मतलब ऐसे गैलन भर भर के ना हमें काम चलानी पड़ रही है, एक वो एक ऐसी गैलन, और हमें तो हम तक गैलन है ना, हम तो सिर्फ ऐसे बाल्टी भर लेते हैं, और इस बाल्टी को लेकर ना 4th फ्लोर पे जाना, जो 2 बाल्टी। सो गाइस अभी तो हम करते लंच, मड़ी भाई आ चुके हैं क्योंकि आज स्कूल नहीं था ना, तो स्कूल इनका सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, ठीक है, और अभी तो इसका एग्जाम चालू होना 16 तारीख से, तो फिर एग्जाम में बिजी हो जाएगा। तो भाई करने वाले लंच, लंच में है सब्जी, आलू और मटर की, और ये रोटी और ये प्याज, तो हमारा ये लंच है। सोचो मतलब कभी हम चारों खाते हैं कभी कुछ भी, तो चलता है हमारा ना। हमने ले लिया एकदम गर्म गर्म कड़क चाय, एकदम लाल सी प्याली वाली। ये भाई साहब देख रहे हो चाय, इसमें क्या डाल दिया? डाइट है ये, डाइट है। मोटापे का राज बताना चाहेंगे आप कुछ? गेनर। तो अभी चाय में फैन का चूरा डाल के खाएं, इसको गेनर बोलते हैं। सिलेंडर खत्म हो गया हमारा, ये वाला हमने इधर एक्सचेंज कर दिया, तो मड़ी देख रहे हो कत लाल लाल मतलब भरा हुआ है, और ये मतलब थोड़ा ऐसा खा लिया, ऐसा कुछ नहीं गाइस, जस्ट प्रैंक है। तो छत पे क्योंकि ना थोड़ी गर्मी हो रही है, और छत का हाल क्या है? ओके देख रहे हो एकदम मस्त वाला लग रहा है, देख रहे हो सामने सूरज की रोशनी एकदम मस्त वाली, अगर उस तरफ है आगे जाके। हाँ दिखाओ, मड़ी भाई घर दिखा रहे हैं अपना, झंडा निकल गया, वो रहा झंडा है एक। अभी जैसे तो कपड़े वगैरह मैंने धो दिए, और देख रहे हो कितने कपड़े धुले पड़े हमारे, तो पानी नहीं आ रहा ना, तो इस मारे कपड़े धुले, तो मैंने 2-3 धो दिए, मैंने कहा यार कल पहनने लायक हो जाएंगे, और मौसम मस्त वाला रखा है। वहाँ से दिख रहा है मड़ी का घर? नहीं दिख रहा इधर से। निकाल दिया यार गाजीपुरी वालों ने, पोल निकाल दिया, बेच ही दिए कबाड़ में उन्होंने। Even break a sweat. This matters, is it? So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने जा रहे हैं ना, तड़कता भड़कता क्योंकि आज हम पे डेस्टिनेशन थी बट दूर था ना, तो जाना हमें वहाँ भी था, लैपटॉप पर लेना हुआ नहीं, तो फिलहाल कुछ चलते खाने चटपटी चीज। गाइस अभी हम अपनी पुरानी रोड पे चल रहे दोबारा से, देखो बच्चों का ये मनीष भी खेलता है वाला गेम, आज बेच देगा कितने का? मनीष ने नया धंधा चालू किया है कंचे का, 10 रुपये का लो और फिर वापस मनीष के पास आओ खेलो, फिर हार जाओ फिर खेल ले जाओ बड़ी। ये धंधा सालों साल चलने वाला है, ये घाटे का सौदा नहीं है, कोई सीजन का नहीं है, कोई जब मई आओ जब मई कंचे का, टाइम की बाउंडेशन भी नहीं है, रात के 12 बजे भी आ जाओ, दरबार खुला मिल जाता है, 24/7 अवेलेबल है मनीष भाई, तो आप लोग आ सकते हैं। कंचे की बिक्री होलसेल रेट पर दिए जाते हैं हमारे यहाँ पे कंचे, एक मिस कॉल में कंचे, एक मिस कॉल सिर्फ एक मिस कॉल मारे और अपना नंबर रजिस्टर्ड कराए कि आपको कंचे चाहिए। तो ये हमारे ये छोटी सी मार्केट देख सकते हैं, शाम को लगती है जो। बेर का सीजन भी आ गया मड़ी, बेर भी खरीदेंगे, वो हमारा प्यारा सा दोस्त। हेलो नहीं आएगा? मत देखो देखो शर्मा रहा कैसे, आ जा चलो बाय बाय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चाप लेने हैं ना, तो चाप नहीं मिली तो फिर एक जगह और जा सकते हम लोग, और ये हमारे लोंडे देख रहे हो पीछे वाले हुए बोरा टाक के कह रहे ब्लॉगर है। देख रहे मनीष का फेवरेट मतलब फ्रेंच फ्राई वाले ये रहे चाप वाले हमारे, बट इन्होंने अभी रेडी तैयार नहीं किया, अभी तो हम जा रहे हैं कहीं और। हाँ बताओ सोमवार वाले दिन इधर का याद आता तुम्हें खाने पीने का? सर अब हम भाई मैं क्या करूँ यार, अब तो मैं डेली बना चुका था। नहीं 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 बताओ, मतलब सोमवार लगा हुआ आ गया ना, अब इसको वहाँ से भीड़ भाड़ में घुस के ना कुछ लेने का मतलब बताओ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस वाली मार्केट में, तो हम ना वहाँ से लेंगे, जहाँ अंकल बैठे हुए ना इसके पीछे एक दरवाज़ा, तो वहाँ से लेंगे फ्रेंच फ्राई। सो गाइस अभी तो हमने पीछे से ले लिया रोल और फ्रेंच फ्राई है ना, तो फिर ज़्यादा चलते घर पे, और देखो ये हमारे मड़ी भाई आ चुके हैं, और बस हम बैठते हैं और चलते हैं। मार्केट देख रहे हो कतई बड़ी लगी हुई है। भीड़ है यार आगे, भीड़ वो आगे से नहीं, हमने यहीं से लेंगे, चलना जी बहन जरा, भीड़ तो नहीं, खैर निकल जाएगा। लेके आए हैं एक रोल और फ्रेंच फ्राई भी है इसमें ना, तो बाद में करेंगे अनबॉक्सिंग। मड़ी भाई है हमारे, बुआ जी का फास्ट है, तो इसलिए हम बुआ जी को बोलते रहते हैं, लेकिन बुआ जी कह रहे गलत टाइम पे लेके आते तुम लोग, तो मैं कोई बात नहीं हम खा लेंगे। रोल बहुत मनपसंद है, और रोल तो मनपसंद, इसी ना मैं एक लेके आया था, मैं 2 लाएंगे तो ज़्यादा लालच आएगा,
फिर हमने कहा एक से तो दोनों भाई खा लेंगे, मैंने बड़ी चलो लेट्स स्टार्ट। और फिर खा के और मड़ी से ना एक चीज़ लेके आया घर में मस्त वाली, गर्मियों का बेहतरीन तोहफा, हम प्याज नहीं बेच रहे कुछ और, तो दिखाएंगे क्या चीज़ लेके आया। बट खाने के बाद वाला फिंगर ना कुछ अलग है, वैसे जो मिलते हैं कलर मिलते हैं ये कलर लेस है, तो ऐसे ऐसे मस्त वाले। फ्रेंच फ्राई और रोल वगैरह खा लिया और मनीष ने एक मस्त चीज़ लेके आई है, मनीष के अभी तो दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है। बस ये वाला कूलर है देख रहे हो, कैन स्टार का सेकंड हैंड है बट मस्त है। इसकी मतलब बहुत सारी चीज़ें, पंखुड़ी अंदर लोहे की है बट ये सारी चीज़ें प्लास्टिक है देख रहे हो। मनीष अभी डेमो देकर दिखाएगा अभी और इस कूलर के बारे में बताएगा कैसा कूलर है क्या है। देखो ये मतलब कूलर का पला लग चुका है, अब यहाँ से चालू करेंगे हम। ये देखो ये हो गया विंड, विंड पे हवा दे रहा, अच्छा मस्त आवाज़ करेगा, फिर कम ज़्यादा। अच्छा कूलिंग का ऑप्शन है ना, ये स्विंग फिर कूल स्विंग और नेचुरल कूल, इससे आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा आवाज़ का भी है, मतलब तेज़ चलेगा तो अभी से बात है आवाज़ तो आएगी आएगी, तो धीरे चलेगा तो नहीं आएगी। हवा देखो, और इसका ये स्विंग के स्विंग का कैसे होगा ये? तेज आ रही है इसमें हवा। हाँ इसमें तेज आ रही है, इसमें देखो एक बार। और ये पंखुड़ी, पंखुड़ी को ऊपर करना होता है तो हाथ से करे? हवा तेज हुई। हाँ हवा तेज हुई, हाँ मतलब कम करने पे तेज हो रही है बढ़ाने पे? आवाज़ कम करोगे तो हवा भी कम हो जाएगी। अच्छा सेम ही है। और स्विंग के लिए, स्विंग के लिए, स्विंग के लिए देखिए। अच्छा हाँ ये देखो स्विंग पे क्या, तो इधर उधर हो रहा है स्विंग, सही है मस्त है ये। और ये कूल स्विंग क्या है? पानी। अच्छा और एकदम कूल पानी, यार मस्त है जैसा भी देख रहे हो एकदम। बेस्ट चीज़ पता है क्या है? पीटने की इसमें तो कहीं भी घसीट करके जा सकते हैं, गांव वगैरह भी ले जाने ले रहे हैं और अर्शित को भी दे सकते हैं हम। कशित ले तो चला ले एक दिन के लिए, तो बस ये था फिलहाल। और वापस ले और सुबह वापस दे दियो घसीट के। पेपर है ना वैसे परसों से? चलो तो पेपर वगैरह पेपर देंगे। फिलहाल तो हमने दिखाया मनीष का कूलर जो धांसू वाला एकदम मस्त लेके आया, और इस पैसों से मनीष भटूरे खा चुका है। मतलब इसके मम्मी ने पैसे दिए थे किराया वाला के, लीजिए आराम से रेडी वगैरह पर, लेकिन ये कह रहा नहीं मैं कंधे पर लाद लूँगा। तो कंधे पर लाद के लाए भटूरे खा के, सोच रहे इसी मारे इनका पेट दर्द होता है, इनको समझाओ तो समझते थोड़े, ये झुकेगा नहीं है। प्रणाम फूफा, क्या समाचार? काम पे जाओ थोड़ा। अभी तो मनीष के यहाँ से घूम के आ चुका ना, तो फिलहाल अभी चलते हैं छोटी सी मार्केट, तो छोटा सा काम है एक, तो बस वहाँ से होके आते हैं फिर हम चलेंगे भैया जी को लेने, क्योंकि भैया जी को भी लेना जरूरी है ना, क्योंकि हमें यहाँ से व्हीकल वगैरह मिलते नहीं है जैसे कि मैंने पहले बताया भी आप लोगों को। बस देख सकते हैं टूटी में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, ना इधरी खोल के आ रहा है और ना ही इधरी खोल के आ रहा है, और अगर हम इधर की बात करें तो इसमें भी नहीं आ रहा और ना इसमें आ रहा है, और पानी सिर्फ इस वाली बाल्टी में भी नहीं है और इस वाली बाल्टी में भी पानी सिर्फ इतना, और इतने पानी से ना मैं मुँह भी धोना है, पैर भी धोना और हाथ भी धोना। कह रही है थाली खुद रखियो, और नहीं रखेगी तो आप रखोगे ना? मम्मी हमारी इसमें सो रही है अभी, मम्मी गुड़ुक के बात कर रही है। दिन से ना पानी नहीं आ रहा भाई जान, अब पानी नहीं आ रहा ना बड़ी दिक्कतें हो रही है, मतलब अब एक ही शर्ट देख रहे हो तीन तीन दिन दो दो दिन मुझे पहननी पड़ रही है, और बाकी सारे क्योंकि देखो अब धूप भी हो रही है ना तगड़ी वाली, तो अब पहले धूप नहीं हो रही थी तो पानी था, अब पानी है तो धूप नहीं, हमारे साथ तो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, आई डोंट नो पता नहीं कैसी, मतलब अड़ोस पड़ोस सब जगह पानी आ गया, बस हमारे यहाँ नहीं आ रहा, पता नहीं किस वजह से नहीं आया, मुझे भी नहीं पता। तो आज तो बिल्कुल ही ना आया, अब कल ना सुबह उठ के मुझे फटाफट नहाना पड़ेगा। तो कपड़ों का झुंड देख रहे हैं पूरा, एक कुर्सी ये वाली भरी है, एक कुर्सी ये वाली भरी है, तो दो कुर्सी कपड़े रखे हैं, सोच सकते कितने ज़्यादा रखे गए ना, बट इस तरफ पूरा नीड एंड क्लीन। और अब पानी वगैरह आ नहीं रहा तो अब कपड़े तो धुल नहीं रहे, तो फिलहाल तो मुझे ना ड्राई क्लीन का काम करना चल रहा, मतलब ऊपर ऊपर करना मुझे ड्राई क्लीन करनी पड़ रही है, और एक आधा शर्ट तो बहन वगैरह धो देती है, तो अगर आता था ना आपका तो अपनी महंगी थी तो, बट अब जो करा रहा हूँ ना तो बहुत सस्ती है काफ़ी, मतलब कॉस्टली भी नहीं है ठीक है, मतलब ईजी हर बंदा आप कर सकता है, तो मात्र मात्र 20 रुपये पर उसका, मतलब जैकेट का हिसाब है, तो मैं तो जैकेट वगैरह कराता हूँ तो 20 रुपये लेता है एक जैकेट का, 3 जैकेट का 60 रुपये, तो माइनस ही है, तो 3-3 करके कराता हूँ, दिखाता हूँ कि तुम मस्त तरीके से कर। ये ड्राई क्लीन की हुई है ये वाली जैकेट, एक BSES वाली, और इसके बाद ये वाली जैकेट। A broken glass while I'm thinking in my head. यार ना तो फीलिंग में अच्छी आती है, और दूसरा कि इसे कपड़ों की ना लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ती है आगे जाके, है ना, तो मतलब जो कपड़ा आपका 2-4-6 महीना 1 साल चलने वाला तो मैं भी 1.5 साल चल जाएगा, ऐसा होता है, मतलब पूरा लाइफ टाइम नहीं चलेंगे, मतलब कुछ टाइम पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लाल करते डर क्योंकि भूख लगी बहुत, और आना काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में बनी है दाल
और ये चावल इतना बहुत टाइम से करते हैं कि भाई आपके यहाँ पे दाल बनती है बट आलू की, तो मतलब अरहर और मूंग की दाल की नहीं बनती। तो मैंने कहा भाई कभी बनेगी ना वीडियो में डालूंगा तो देख लिया। तो भाई आज फाइनली बन चुके हैं। मनीष देख रहा हूँ तो काफ़ी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हुआ कि मतलब जब मैं आता हूँ तो मेरे वहाँ खाली आलू में की दाल और अब ऐसे भी मतलब मूंग और अरहर की दाल, मतलब क्या हो रहा है मेरे से सोचा हुआ काम ही नहीं हो रहा। मतलब जो काम सोचता हूँ ना वो बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। 7 बजे उठूँगा, पानी वगैरह भरूंगा, फिर ब्रश वगैरह करके एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, तो ये सब ना बिल्कुल भी कोई सा भी काम नहीं हो पा। इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स करना पड़ेगा। एफर्ट्स किस लिए कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपने नींद के ऊपर, अपने कंट्रोल के ऊपर। और एक तो ना मन ना मेरा थोड़ा सा बालक टाइप, बालक टाइप कैसे मतलब पल भर में ना इधर भाग जाता है, पल भर में इधर भाग जाता है। ये हमारा प्लान जो बन रहा है वो बनना चोर बाजार का, क्योंकि चोर बाजार में ना हमारे गांव से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि भैया चोर बाजार की व्लॉग बना दो, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप वगैरह DSLR वगैरह GoPro वगैरह मिलते हैं ना काफ़ी अच्छे, तो एक बार बना दो यार जाके। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत ही जल्दी हम लोग जाएंगे चोर बाजार। हम लोग आज आने वाले हैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। जो वक्त हो ना रात के 10:32 हो चुका है। आज के व्लॉग में जो कुछ था मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। मतलब बुआ जी ने कूलर लेके आई है पुराना ये साइकिल, बट मनीष ने ना मतलब उसमें भी 3-5 कर लिया था, मतलब भटूरे खाने के चक्कर में ना किराया बचा लिया। तो मैंने कहा ठीक है भैया यही हमारा बचाने, क्योंकि मैं भी बचाता था। ठीक है यार बचपन सबका होता है ना अपना अपना, तो कोई कैसे जीता कोई कैसे जीता, क्योंकि आपका बचपन थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। पहले का बचपन था छोटा लालच देखते थे, आपका बचपन बड़ा लालच में चक्कर बना रहे हैं। वैसे तो लालच करना नीचे किसी भी चीज़ का है ना, चाहे वो धन दौलत हो किसी भी चीज़ का। तो गाइस बस मैं भी यही कहूँगा कि गाइस खुश रहिए किसी भी हालात में। जिंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ है, किसी के साथ छोटी है किसी के साथ बड़ी है, ये तो है ना। और ये प्रॉब्लम सर मरते दम तक चलेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाला गाइस। अभी आप पे गाड़ी नहीं तो आप गाड़ी के लिए पीछे भागोगे, गाड़ी आ जाए गाड़ी नहीं आएगी फिर आप घर के पीछे भागोगे, घर आ जाए घर आ जाए फिर कहोगे बच्चे के बच्चा। मतलब प्रॉब्लम्स लगी रहेगी आपके साथ है ना, तो इनका कभी भी अंत नहीं हो रहा। तो हर हाल में खुश रहिए, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए जिए। अपने इस व्लॉग को यहीं पर करता हूँ एंड, आई होप आपको लोग पसंद आए। पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड।